welcome to the class of learn with nishman and dear students today we are going to discuss about section 6 and this is our last type of negotiable instruments act your syllabus may negotiable instruments mein, we discussed three types promissory note then we discussed about the bill of exchange and now it's check एंड दिस थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स आवर नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स द मेन मेजर पार्ट्स आर दीज तो अब आपको अगे मैम प्रोमिज्री नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ऑलरेडी मैं सेशन कर चुकी हूँ प्रोमिज्री नोट को मैंने बहुत डिटेल में इस सेशन में समझाया जो कि आपको टॉप पर दिख रहा है गो एंड वॉच दिस आउट इस सेशन में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करके एंड विद एग्जाम्पल्स आपको डिटेल में बताया कि प्रोमिस नोट क्या होता है देन डेयर स्टूडेंट्स वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेयर आई टोल्ड यू की हाउ दीज बिल्स आर मेड एंड बाई होम इट इज मेड वट इज़ बिल रिसिवेबल वट इज़ बिल पेबल और इस सब को जानने के लिए भी आपको टॉपर सेशन दिया गया है इसमें जाइए और दोनों को समझ लीजिए अब आपका आता है सेक्शन सिक्स जो कि नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स का हमें बताएगा कि चेक क्या होता है चेक जो कि एक इतना इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कि पेमेंट्स आपको डेली देखने को मिलती हैं बिजनेस वर्ल्ड में अगर आप लिंक करते हो तो देखिए चेक्स कितने इंपॉर्टेंट है कई बार तो क्या होता है कि महीने के अंदर चेक बुक खत्म हो जाती है तो चेक आर दैट्स वाई सो सो इंपॉर्टेंट अब आपको इसको जानने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि वट एग्जैक्टली दिस इज तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ बहुत ध्यान से समझना है डियर स्टूडेंट्स सपोज ए है ए ने बी को सामान बेचा अपना और कितने का बेचा बीस हज़ार का बीस हज़ार का बेच दिया अब जब बी पेमेंट करने लगा तो वो पेमेंट क्या कहता है कि सर मेरे पास कैश नहीं है मैं आपको चेक दे देता हूँ और चेक से पेमेंट कर देता हूँ होता है ये भी ऐसा ठीक है ए ने कहा ओके आई एल एक्सेप्ट दैट अब बी एक चेक बनाता है राइट right? और चेक में क्या लिखता है देखिए यहां पर क्या होता है पे ऐसे ही होता है ना पे दिस दिस यहाँ ऊपर एक डेट मेंशन होती है और यहाँ पर आपको जिसको पे करना उसका नेम होगा इधर अमाउंट में आपको रुपीज़ लिखने होते हैं जैसे ट्वेंटी थाउजेंड लिख दिया यहाँ पर आपका बैंक के नेम होता है जैसे सपोज बी है जो बी का अकाउंट कहाँ पर है एस में है तो यहाँ पर एस बैंक का अकाउंट नंबर लिखा होगा आई कोड लिखा होगा और नीचे सिग्नेचर होते हैं इस आ, आ, चेक में तो यहाँ पर बी आपने साइन भी कर देगा तो ये चेक वो दे देगा ए को कि जाओ ये मेरे तरफ से आपको पेमेंट हो गई और ये समा अपना पैसा निकलवाता है बट इसको थोड़ा डिटेल में समझिए इसमें क्या है ए यहां पर क्रेडिटर है इस ट्रांजेक्शन में जिसको पैसा मिलना है और पैसा देना किसना है किसने है बी ने तो बी यहां पर क्या हुआ डेटर यही हुआ लेकिन अगर एक चीज़ देखी जाए तो बी अब इसके नाम चेक दे देता है मतलब तुम जाकर बैंक से पैसा ले लो तो इसका मतलब जो एस में पैसा है बी का एक तरीके से एस के लिए बी तो क्रेडिटर हो गया ना जहां बी को ए को देना है वहां एस को पहले बी को देना है ए के नाम पर और यहां पर एक्चुअली में डेटर अब कौन है डेटर कौन हुआ एस आई आई होप आपको तीनों चीजें समझ में आ रही है तो अब आ जाते हैं इस चेक पे सपोज कीजिए कई बार चेक जो बनता है जैसे मैंने यहाँ पर बताया है पे तो यहाँ पर लिख ब्लैंक होता है ये ब्लैंक है और डेट है इधर ये यहाँ पर बी ने अपने साइन कर दिया अमाउंट भी लिख दी है बीस हज़ार और एस बी आई अकाउंट नंबर लिखा हुआ है एफ एस सी कोड लिखा है ए लेता है ए ले जाके इस बैंक को एस बी आई में दिखाता है एस बी आई देखता है ब्लैंक में है तो इसका मतलब ब्लैंक में है तो जिसके पास ये बैंक ये चेक होगा वो अपना पैसा निकलवा सकता है प्रॉपर बीस हजार रुपए लिखे हुए अकाउंट नंबर है बी के साइन भी है तो एस बी आई बी के खाते से पैसा निकाल के ए को दे देगा ए गया सेटिस्फाइड जो भी टाइम पीरियड लिखा हुआ है उसके अंदर अंदर तो एक तो हो गया डी स्टूडेंट्स ये यहाँ पर ये, ब्लैंक है एक हो जाता है कि कोई यहाँ पर अगर सेल्फ लिख दे अब जैसे बी ने ब्लैंक चेक दिया था ए को ए ने उस पर सेल्फ लिख दिया सेल्फ के केस में भी एस उसको पैसा दे देगा भैया बी के साइन हुए हुए हैं ठीक है ए को पैसा देना दे दिया तो ऐसे चेक्स को हम क्या बोलते हैं बीअर चेक बी मींस जो भी इनको ले जिनके पास भी ये चेक होगा वो एस या जो भी पर्टिकुलर बैंक अकाउंट है उसमें दिखा के पैसा निकलवा सकते हैं दूसरे के खाते से जिनसे उनको मिलना है एक तो हो गया बीअर चेक एक क्या होगा अब सपोज़ कीजिए यहाँ पर क्या होता है बी जो है स्पेसिफिकली क्या कर देता है पे दिस दिस और यहाँ पर टू ए स्पेसिफिक नाम दे देता है भाई कोई इसमें छेड़खानी ही ना करे टू ए और अमाउंट लिखी हुई है ट्वेंटी थाउजेंड और अकाउंट नंबर है ये है और साइन हो गए अब यहाँ पर ए जाता है बैंक में ये दिखाता है चेक देखिए मेरे नाम पर लिखा है और बी के अकाउंट से मुझे पैसे दो एस देखता है बिल्कुल वैलिड है बी के साइन भी है पैसा भी लिखा ए आया है खुद से प्रेजेंट करने और ए की आई प्रूफ चेक करके वो ए को पैसे दे देगा दे ये होता है ओवर द काउंटर चेक की ट्रांजैक्शन होना ओवर द काउंटर पेमेंट होना राइट तो ये जब वहां पर स्पेसिफिकली नेम लिखा है डियर स्टूडेंट्स तो ये क्या हुआ हमारा ऑर्डर चेक जिसमें पर्टिकुलरली ऑर्डर दिया गया है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट कर दीजिए तो बियर चेक ऑर्डर चेक आई होप दोनों आपको क्लियर हो गए हैं ऐसे ही हमारे पास वेरियस टाइप्स के चेक्स हैं जो कि अलग अलग काइंड के होते हैं और उनको कब यूज़ किया जाता है वो हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल एग्जाम्पल दिया है कि चेक से पेमेंट कैसे की जाती है और इसमें क्रेडिटर जो होता है उसको कब पैसा रिसीव होता है और वो उस चेक को कैसे यूज़ कर सकता है कब यूज़ कर सकता है सो दिस इज़ द मेन थिंग और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ टेकिंग the पेमेंट इन the फॉर्म ऑफ डूइंग transactions. दैट्स why चेक इज वेरी important और ये एक negotiable इंस्ट्रूमेंट है देखा जाए तो चेक एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है अब यहाँ पर जो इस चेक को बनाता है यहाँ पर अब किसने बनाया इस ट्रांजेक्शन में बी ने पैसा देना था बी ने इस चेक को बनाया बना तो बी क्या हुआ ड्रॉयर जिसने इसको ड्रॉ किया है ओके पैसा मिलना किसे है ए को मिलना है तो ए यहाँ पर क्या हुआ पे जो बैंक में जाएगा और दिखाएगा बट चेक ड्रॉ किस पर किया गया पेमेंट जो देता है तो ड्रॉई ड्रॉई कौन है डियर स्टूडेंट्स यहां पर एस बी आई बैंक अकाउंट जिस अकाउंट में भी जिस बैंक में भी उसका पर्टिकुलर अकाउंट है तो आई होप आपको ये तीनों पार्टीज अच्छे से समझ में आई है नाउ लेट्स बिगिन द डेफिनेशन ऑफ चेक ताकि आपको इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए सेक्शन सिक्स डिफाइंस चेक एज अ चेक इज द बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर किसी बैंकर पर ड्रॉ किया जाता है या नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड मीन्स जब डिमांड आएगी तभी आप इसको ड्रॉ कीजिए तभी सॉरी इसको पे कीजिए एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ड्रंकेटेड चेक और चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अब धीरे धीरे क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स uh, हमारे जो चेक सिस्टम था उसमें क्या हो गया Uh, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बियर और ऑर्डर चेक बताए हैं तो कई बार इन चीज़ों में फोर्जरी चीटिंग होने लग गई क्या होता था कि किसी के नाम का बंदा चेक ले लेता था उस उसमें उसके साइन भी हैं और ब्लैंक में है वहाँ पे अपना नाम डाल दिया और बैंक में जाके दिखा दिया पेमेंट निकलवा ली तो इसी लिए इसी चीटिंग फोर्जरी से बचने के लिए हमारे पास आए क्रॉस्ड चेक और क्रॉस चेक का मतलब क्या था कि एक चेक के ऊपर ऐसे दो डबल लाइन लगी होंगी क्रॉस्ड उस क्रॉस्ट का मतलब क्या है कि जब भी, भी किसी बैंक में कोई चेक लेकर आता है तो वो बैंक बैंकर या वो जो बैंक है वो उनको डायरेक्ट कैश ना दे पेमेंट ना करे जबकि उनको कहें कि भैया अपने बैंक की डिटेल्स लेकर आओ आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा आपके बैंक को बोलो वो ड्रॉ करके दें हमें चेक और हम आपको कैश नहीं कर सकते आपके बैंक में पेमेंट करेंगे आपके अकाउंट में पेमेंट करेंगे जहां आपका अकाउंट है तो ठीक है अब ये बंदा इस चीज़ मतलब अगर कोई क्रॉस्ड चेक को लेकर जाता है किसी बैंक अकाउंट में डियर स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखना उसको कभी भी पेमेंट ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी उसको पेमेंट मिलेगी उसके अकाउंट में तो सपोज करो बी लेके जाता है बी को पैसा नहीं मिलेगा उसका अकाउंट पीएनबी में है तो पहले उसको पीएनबी में जाना पड़ेगा पीएनबी में वो चेक दिखाना है फिर वो उस चेक को क्या करेंगे साइन करेंगे और उस चेक को एस में भेजेंगे और एस फिर पेमेंट करेगा उसके पी अकाउंट में आई होप आपको बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन समझ में आई हो क्रॉस्ड का मतलब है कि पेमेंट विल गेट पेमेंट विल बी डन ओनली इन द बैंक अकाउंट तो ये आपको समझ में आया अब क्या हुआ धीरे धीरे जब ऐसे एक बैंक से दूसरे बैंक में वो कैश uh, uh, जो सॉरी जो चेक था वो जाने लग गया तो इट took थ्री टू फोर डेज और यू कैन से टू थ्री डेज लगते ही थे सो देर वॉज ह्यूज डिले इन द पेमेंट प्रोसेस एंड दैट्स वाई देर वॉज द थिंग कि हमें इस टाइम को रिड्यूस करना है और रिडक्शन के लिए क्या होने लग गया कि उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जो होगी वो आप सेंड कर दीजिए स्कैन कीजिए उस चेक को और जो स्कैंड इमेज होगी उसको हमें भेजिए हम समझ जाएंगे आपके पास चेक है और हम पेमेंट कर देंगे मतलब एस ने पी को बोला कि जो आपके कस्टमर का चेक है जो उसके पास जो चेक है उस चेक को स्कैन करके इमेज हमें भेज दो और हम आपको पेमेंट कर देंगे तो ये टाइम रिड्यूस हो गया और ये जो स्कैंड इमेज थी इसको हम बोलने लगे ट्रंकेटेड चेक ऐसा चेक जो कि टाइम को रिड्यूस कर के करने के लिए बनाया गया ताकि एक बैंक से दूसरे बैंक जाने में उसके जो फिजिकल फॉर्म ऑफ चेक था उसको हम हटाएं और एक इमेज फॉर्म में चेक जाए इमेज भेज दे, भेज दी जाएगी उसकी स्कैन फोटो लेके भेज दो फिर धीरे धीरे ज़माना चेंज हुआ टाइम चेंज हुआ ई चेक्स आने लगे इलेक्ट्रॉनिक चेक इलेक्ट्रॉनिक चेक का मतलब क्या हुआ कि जो चेक दैट आर अवेलेबल ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट आर अवेलेबल ऑन कंप्यूटर सिस्टम तो चेक आपके मेल में आपके कंप्यूटर सिस्टम में है और उसको एस में आप मेल कर दीजिए उनके मेल अकाउंट में जाएगा और वो फोटो देखकर इमेज देखकर इलेक्ट्रॉनिक इमेज देखकर आपको पेमेंट कर देंगे और ज़्यादा टाइम रिड्यूज हो गया तो so ये सब एक ही बात है चेक फिजिकल फॉर्म में होना ट्रंकेटेड फॉर्म में होना उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज होना ई e चेक होना ऑल आर द सेम थिंग

देते हैं चेक में इलेक्ट्रॉनिक साइन ही हो जाते हैं आपको एक टर्म देखने को मिली ट्रंकेटेड चेक आल्सो ये भी मैंने आपको डिटेल में समझा दी ऐसा चेक विच इज़ ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द क्लियरिंग साइकिल ताकि आप उसको जल्दी जल्दी क्लियर करो और जो उसमें पेमेंट आनी है उसके टाइम गैप को कम करना है जो चेक इन राइटिंग होती है आप उसको सब्सटीट्यूट करते हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्कैन फॉर्म में उसकी इमेज भेजते हो देन वी हैव एक्सप्लेनेशन टू दिस स्टेट दैट फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्सप्रेशन यहाँ पर क्लियरिंग हाउस का मतलब है ऐसा स्पेस या ऐसी मैनेजमेंट जहाँ पर आर बी आई जो क्या करता है उन चेक्स को ट्रंकेटेड चेक्स को रिसीव करता है और उनकी इमेज जल्दी दूसरी जगह भेजता है नेक्स्ट वी हैव असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम ऑल्सो डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर रिसोर्स ये सब एज इट इज़ डिफाइंड है जो हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू थाउजेंड में डिफाइंड है तो इनकी मीनिंग आप आई टी एक्ट से भी पता कर सकते हो सो दिस इज द मेन थिंग नाउ या स्टूडेंट्स चेक को अगर आप समझो अभी हमने सेक्शन सिक्स की डेफिनेशन करी है जो प्रॉपर नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में डिफाइंड है बट अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर वर्ड्स में समझना है तो चेक क्या होता है ये एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि ड्रॉ किया जाता है एक बैंक पर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड जब कोई उस चेक को प्रेजेंट करने आएगा तभी आपने पेमेंट करनी है और ये हमें यूज किया जाता है मनी ट्रांजेक्शन के लिए डॉक्यूमेंट है एक तरीके का जो कि पैसा पे करता है फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर डेटर ट्रांजेक्शन में जैसे ए ने क्रेडिट पर सेल करी थी बी को तो बी उस चेक को ड्रॉ करेगा अपने एस अकाउंट पर एस फिर पैसा देगा ए को तो चेक की आपको सेंश समझ में आए इसमें सारी वो बातें होती हैं ये क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज है तो जितने हमने बिल ऑफ़ एक्सचेंज में फीचर्स करे आपको वो ही यहाँ पर लिखने हैं इट शुड बी ड्रॉन ऑन द बैंक्स बैंक पर ही ये ड्रॉ हो सकता और किसी पर्सन पर नहीं होता इट इज़ ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड डिमांड होने पर ही इसको पे करना है जब तक पे डिमांड करने नहीं आएगा आउटडेट हो जाएगा चेक तो फिर उसका कोई यूज नहीं है बट अगर उसने टाइम रहते रहते डिमांड कर ली तो उसको उसका पैसा मिल जाएगा एंड बैंकर इज द ड्रॉई हेयर यहाँ पर जिस पर ड्रॉ किया जाता है वो एक बैंक होता है सो विद दिस डी स्टूडेंट्स वी कम्पलीटेड एट दिस टॉपिक ऑफ सेक्शन सिक्स चेक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट वी है